हेलो एंड वेलकम टू एड्यू वर्ल्ड चैनल। आप लोग के साथ मैं सुधांशु मिश्रा एड्यू वर्ल्ड में जुड़ गया हूँ। आप लोग जानना चाहते थे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स के लिए जो डेट्स शेड्यूल की हैं वो क्या हैं। तो जी हाँ, कल 8/5/2020 को CBSE ने एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो 18 के बाद यानी 19 से लेकर के और 31 मार्च तक होने वाले थे, जिनको कि COVID-19 के वजह से प्रिकॉशनरी मेज़र लेते हुए पोस्टपोन कर दिया गया था, उनको फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच तक का समय दिया गया है। ऐसा CBSE के द्वारा कहा गया है कि उन एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। देखिए, ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो CBSE का है, उसके द्वारा, प्रेस रिलीज के द्वारा यही बात सामने आ रही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के वजह से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनको फिर से मौका मिलेगा या वो फिर से एग्ज़ाम देंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, तो इस वजह से रिज़ल्ट भी लेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग आगे की पढ़ाई निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट लेट है तो सेशन भी हो सकता है लेट हो जाए, और सिलेबस भी क्या इसमें चेंजिंग आएगा तो अधिक तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कम हो सकता है, कुछ ना कुछ कम हो जाए सिलेबस। पर जितना भी सिलेबस है क्लास 11th का या 12th का, तो मुझे लगता है कि वो सिलेबस तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि आप सभी अपनी अपनी पढ़ाइयाँ शुरू कर दें अभी से ही, जो भी जिस स्ट्रीम में जाने का आप लोगों ने मन बना लिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें जो कि आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं क्लासेस, या बुक्स की सहायता से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब तो डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है हर आइटम्स के लिए, तो निश्चित रूप से किताब मंगा करके आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये अभी शेड्यूल जो इनका निकला है ये अभी कन्फर्मेशन नहीं है। ये तो COVID-19 का ग्राफ पर डिपेंड करेगा आगे जुलाई में जा कर के कि किस तरह का सिचुएशन बनता है, तो किस तरह से ये लोग एग्ज़ाम ले पाएंगे। यदि स्टीपर ग्राफ रहा तो मुझे लगता है हो सकता है इसके डेट और भी आगे बढ़ें, या पता नहीं क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए जो भी क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही आप लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा कि निश्चित रूप से आप लोग जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट क्लास शुरू कर दें, जिस भी तरीके से हो सके, ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हो, बुक्स के माध्यम से हो, या जिस भी माध्यम से हो। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में।